हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में नेचुरलिज्म को आज हम कवर करेंगे। देखिए, मैंने पहले जो है रियलिज्म आइडियलिज्म रियलिज्म बस चुप हो जाओ, मैं फटाफट रिकॉर्ड कर देती हूँ जैसे तैसे। हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में आइडियलिज्म रियलिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म ये सब हम कर चुके हैं, पेरिनियलिज्म रिकंस्ट्रक्शनिज्म। सो बेसिकली नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म मेजर जो है वो रहते हैं। ओके, सो आज हम नेचुरलिज्म को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी कि प्रैग्मेटिज्म को भी कवर कर लिया जाए। ओके, एक और चीज, जैसे जो ये ओडिशा वाले पीजीटी वाले बच्चे हैं या वेस्ट बंगाल के पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, सो वो ये ध्यान रखें कि अगर आपके सिलेबस में वेस्टर्न फिलोसफीज में दो चार भी मेंशन है, मतलब कहीं पे ये वर्ड मेंशन कर दिया ना कि वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी डॉट डॉट करके, जैसे ओडिशा के सिलेबस में सिर्फ तीन मेंशन है, एग्जिस्टेंशियलिज्म पेरिनियलिज्म और रिकंस्ट्रक्शनिज्म, सो वो बच्चे मेक श्योर करें कि बाकी स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज भी एक बार सुन लें ताकि उनको आइडिया हो जाए। बिकॉज कोई वो मतलब वो नहीं होता कि अगर वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में तीन मेंशन है तो बाकी से क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो जब उन्होंने वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी दे दिया तो वो सारा का सारा कवर कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा कहीं ना कहीं। और कुछ नहीं तो एलिमिनेशन मेथड में आपको हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज हर एक फिलोसफी से बिल्कुल 100% सब चीज़ें आपको पता चल जाएं वो पता नहीं होता, बट सबकी अगर मेजर मेजर चीज़ें पता है, मेजर मेजर एक्सपोनेंट्स जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं उनका पता है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो आपकी नॉलेज के बेस पे हो, चाहे वो जो नॉलेज आपने गेन की है उसकी मदद से एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हो। ठीक है, सो इसलिए बस मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि सारी फिलोसफीज कर लीजिएगा। सो नेचुरलिज्म को कवर कर लेते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड नेचुरलिज्म की बात शुरू करने से पहले आपको रूसो के बारे में जरूर बताना चाहिए। मैंने रूसो की फिलोसफी या रूसो जो है उनका एजुकेशन के प्रति क्या व्यू था वो करवा रखा है, अगर आप वो कर लेंगे तो आपको नेचुरलिज्म बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो मेक श्योर पहले आप वो देख लेना। इस अगर आपने यहां तक भी सुन लिया है तो सुन लीजिए इस लेक्चर को, बट अगर जिन्होंने रूसो कर रखा है वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि चीफ एक्सपोनेंट जो है वो रूसो है। रूसो ने मतलब नेचुरलिज्म की फिलोसफी को एक हाइट पे पहुंचाया था, मतलब ऊंचाइयां छूने का जो वो होता है ना दर्जा जाता है या क्रेडिट जाता है वो रूसो को जाता है, स्पेंसर को जाता है। ओके, सो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए जी, नेचुरलिज्म नाम से ही पता चल रहा है, बोलते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये ओल्डेस्ट फिलोसफी है देखा जाए तो, वो हम कई बार आइडियलिज्म को भी बोलते हैं। सो ये एक बुक में मेंशन था तो मैंने मेंशन कर दिया कि अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे और कोई ऑप्शन ठीक नजर नहीं आता है तो नेचुरलिज्म को आप बोल सकते हैं कि ओल्डेस्ट फिलोसफी है। इसको मटेरियलिस्टिक फिलोसफी भी बोला जाता है, मतलब मटेरियलिज्म भी बोला जाता है नेचुरलिज्म की जगह। तो मटेरियलिज्म इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका बेसिस क्या है कि यूनिवर्स जो है ना पूरा का पूरा वो एक मैटर है, इसलिए इस वर्ड को मैटर वर्ड से मटेरियलिज्म निकाल के वो नेचुरलिज्म को भी मटेरियलिज्म बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये फिलोसफी एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि जो रियलिटी और नेचर है वो आइडेंटिकल है, मतलब नेचर के बियॉन्ड कोई और रियलिटी है ही नहीं, जो मटेरियल वर्ल्ड है वही रियल वर्ल्ड है और वही नेचर है, मतलब नेचर ही सब कुछ है। और नेचर क्या है जो हमें दिख रहा है, इट्स लाइक मैं अगर बोल रही हूँ कि आपकी बॉडी हमें दिख रही है, मैं आप लोगों को जैसे दिख रही हूँ अभी बात कर रही हूँ आपसे, सो मैं नेचर का पार्ट हूँ, लेकिन जैसे मेरी सोल है आत्मा है वो आपको नहीं नजर आ रही, तो सोल जो है वो नेचर का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इससे हमें ये समझ आ गया कि नेचर के पहले, नेचर के पीछे, नेचर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग बिफोर बिहाइंड एंड बियॉन्ड नेचर। सो अल्टीमेट रियलिटी क्या हो गई, नेचर हो गई। यही चीजें आपको बार बार अलग अलग तरीके से सुनने को मिलेंगी। नेचुरलिज्म एक डिस्टिंक्ट फिलोसफी है विच डज नॉट बिलीव इन सेंटिमेंटलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म। तो जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं उनमें ये बिलीव नहीं करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि ये गॉड में बिलीव नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं एक्चुअली। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी।
तबीयत खराब है, बट ये लेक्चर फिनिश करना है कैसे भी करके आज तो. सो प्रोफेसर वी आर तनेजा ने बोला कि नेचुरलिस्ट जो है वो चीजों को एज इट इज देखते हैं, जैसे कि चीजें हैं. ठीक है, तो जो दिख रही हैं चीजें वही रियलिटी उसको ये मानते हैं. नेचुरलिज्म बिलीव करता है कि नेचर अलोन कंटेन्स द नॉर्मल एंड फाइनल आंसर, कि जितनी भी फिलोसॉफिकल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब का जवाब अकेला किसके पास है, नेचर के पास है. ऐसा नेचुरलिज्म और नेचुरलिस्ट यानी जो इस फिलोसफी में बिलीव करते हैं वो मानते हैं. अगर प्रोटोगनिस्ट की बात करें यानी कौन इस फिलोसफी को प्रोपगेट करता है या कौन कौन इस फिलोसफी में बिलीव करता है, तो सबसे पहले आपको रूसो का नाम याद रखना पड़ेगा, जे जे रूसो. उनको चैंपियन ऑफ नेचुरलिज्म कंसीडर किया जाता है. नेचुरलिज्म रूसो की फिलोसफी मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है. ठीक है, आज के लेक्चर में आप ये समझ लीजिए कि आपके टीचर आपको ऑफलाइन पढ़ा रही है और उनकी तबीयत खराब है, बट वो लेक्चर करवाना चाह रहे हैं, तो एक आधे बीच में जो छींक आए उससे डिस्टर्ब नहीं होना है. ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा समझने की, नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा. तो रूसो का नाम आप सबसे पहले याद रखेंगे जब नेचुरलिज्म की बात आएगी. उसके अलावा और भी हैं, कॉम्टी हैं, होब्स हैं. ऑल्दो एरिस्टोटल को हम किसका फादर बोलते हैं ये आप बताइएगा कमेंट करके, बट ये भी इस तरीके की फिलोसफी में भी विश्वास रखते हैं. ठीक है, बट एरिस्टोटल का मेजर नाम एक पर्टिकुलर फिलोसफी से जोड़ा जाता है. इनको फादर ऑफ विच फिलोसफी बोला जाता है, जो मैंने करवा रखा है उसको कमेंट करके बताइएगा. बेकॉन, कॉम्टे, नन, डार्विन, लेमार्क, हग्सले एंड स्पेंसर स्पेसिफिकली, टैगोर, इनके नाम एटलीस्ट याद रखिएगा. आगे आगे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी इस लेक्चर को, आपको किसी किसी पर्टिकुलर जगह पे स्पेसिफिक नाम किसी लाइन से जुड़ के मिलेंगे, उनको ध्यान रखिएगा मिनिमम. ओके, तो ये सारे के सारे जो है डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरलिज्म को बिलीव करते हैं, उसमें बिलीव करते हैं और अप्लाई करते हैं इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एजुकेशन के फील्ड में. बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हमें एजुकेशन के फील्ड में आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए. ओके, सो रूसो, कॉम्टे, बेकॉन, स्पेंसर और टैगोर और डार्विन, मिनिमम इतने नाम आप याद रखिएगा. मीनिंग क्या रहेगा नेचुरलिज्म का, तो डेफिनेटली अब तक तो हमें समझ आ ही गया कि बस नेचर पे एम्फेसिस है इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन. ये जो फिलोसफी है ये नेचर को ही सब कुछ कंसीडर करती है, उसके बियॉन्ड जो स्पिरिट है, सोल है, उनको ये मानते ही नहीं है, वो रियलिटी है ही नहीं. सो ये बिलीव नहीं करते गॉड की एग्जिस्टेंस में. नेचर जो टर्म है वो टोटैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इन स्पेस एंड टाइम, उसको उसके लिए स्टैंड आउट करते हैं. मतलब नेचर का मतलब हम क्या समझे, हम कई बार बोलते हैं ना कि नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचर है, तो हम पेड़ पौधों से या बाकी जो नदियां बह रही हैं उनसे थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं जब भी नेचर की बात आती है. ठीक है, सो कई लोग बोल देते हैं कि ये तो जो है भगवान ने बनाई है तो नेचर जो है वो गॉड है. नहीं, यहाँ पे नेचर जो है जो आपको दिख रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीजें हैं, स्पेस है, टाइम में जो जो इवेंट्स चीजें दिख रही हैं उनको हम मान के चलते हैं कि वो रियलिटी है और वही नेचर है. ह्यूमन लाइफ जो है वो नेचर का पार्ट माना जाता है. नेचुरलिज्म जो है वो नेचुरल लॉज को अप्लाई करेगा, जिसमें हम ह्यूमन एक्सपीरियंस, मटेरियल्स, जो अपना रैशनल, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूडेड मानी जाएंगी. इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द मैटर, मैटर को और फिजिकल वर्ल्ड को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं ये नहीं मानते. ओके, इसकी डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो जॉर्ज हेवर्ड जॉय, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, एक आधी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. रूसो ने क्या डेफिनेशन दी थी वो हम ऑलरेडी रूसो के जो फिलोसफी है उसमें देख चुके हैं. सो नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम हुज साइलेंट सैलियंट कैरेक्टरिस्टिक इज द एक्सक्लूजन ऑफ वट एवर इज स्पिरिचुअल और इनडीड वट एवर इज ट्रांसजेंडल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, या फिर जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उन सबको ये एक्सक्लूड करते हैं कि उनके अलावा जो जो चीज़ें बच गई ना वो सारी की सारी क्या है, नेचर है, नेचुरलिज्म है. हॉकिंग बोलते हैं कि नेचुरलिज्म इज अ मेटाफिजिक्स जो कंसीडर करते हैं नेचर को एज अ होल ऑफ रियलिटी, जो सुपर नेचुरल या जो अदर वर्ल्ड है उसको नहीं मानते, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं. सो इससे आपको ओवरऑल समझ आ गया होगा अब तक जो हमने पढ़ा कि नेचर में बिलीव करना है, नेचर ही है जो सब कुछ है, नेचर ही रियलिटी है, नेचर के बियॉन्ड या उससे पहले या उसके पीछे कोई रियलिटी है नहीं, और ये सुपर नेचुरल पावर्स को, इसीलिए हमने जो सेंटिमेंटलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म, उनको ये डिनाई करते हैं.
फॉर्म्स ऑफ नेचर पढ़ने को मिलता है जी। फॉर्म्स ऑफ नेचर में हम चार फॉर्म्स पढ़ते हैं, एटॉमिक नेचुरलाइजेशन, साइंटिफिक, साइंटिफिक में फर्दर दो पार्ट, फिजिकल और बायोलॉजिकल, मैकेनिकल नेचुरलिज्म और हिस्टोरिकल। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेचुरलिज्म की चार फॉर्म्स हैं या चार टाइप्स लगा लीजिए एक तरीके से। फॉर्म इज द बेटर वर्ड देन टाइप। सो एटॉमिक, साइंटिफिक, मैकेनिकल और हिस्टोरिकल। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा ये एटम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये साइंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये मैकेनिकल चीजों पे फोकस कर रहे हैं। इट्स लाइक ह्यूमन जो है वो एक मशीन है, ओके या पूरा नेचर या जिस जो भी एक पूरा यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, वो एक मशीन है और ह्यूमन भी उस मशीन का एक पार्ट है। हिस्टोरिकल हिस्ट्री पे फोकस करता है। तो इनका मतलब देख लेते हैं एक बार, एटोमिसिटी नेचुरलाइजेशन या फिर एटॉमिक नेचुरलाइजेशन। ओके, सो एटमिस्टिक नेचुरलाइजेशन क्या होगा, ओल्डेस्ट फॉर्म है नेचुरलिज्म की, क्योंकि सबसे पहले क्या थियरी निकल के आई। सो ये थियरी किसने दी, इस पे कौन बिलीव करता है, चीफ एक्सपोनेंट कौन है एटमिस्टिक नेचुरलिज्म के, एपिक्यूरस और डेमोक्रेटस। तो इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं बोल रही थी कि अच्छा आपको अगर एटॉमिक नेचुरलाइजेशन या एटॉमिस्टिक नेचुरलिज्म के बारे में अगर पूछा जाए तो उनमें आपको ये दो नाम याद रखने पड़ेंगे, ओके। सो आप भले ही एटॉमिक नेचुरलिज्म के आगे इन दोनों नाम को मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, ठीक है जी। सो इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम जो है डिवाइड होते, वी गो ऑन डिवाइडिंग एंड डिस्कसिंग अ थिंग। तो हम चीजों को डिविजन 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 करके चीजों को देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बड़ी से बड़ी चीज को जब हम डिवाइड डिवाइड करते हुए जाते हैं सो अल्टीमेट एक यूनिट निकल के आती है जिसको हम एटम बोलते हैं, जो आपने 9th-10th में साइंस में पढ़ी होगी कि एटम, ओके। सो यूनिवर्स जो है वो किससे बना है, ऐसे ही एटम्स से बना है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के, शेप के, क्वालिटी के अलग अलग हैं, बट एटम्स से बना है ये बिलीव करते हैं। इसीलिए इसको एटॉमिक नेचुरलाइजेशन या एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म या एटम नेचुरलिज्म बोलते हैं, एटॉमिक, ओके। डेमोक्रेटस का कहना है कि फर्दर जो हैवी एटम्स है ना वो ज्यादा क्विकली फॉल करते हैं लाइटर वन से, मतलब लाइट वाले को अगर मैं ऊपर से एक पत्थर फेंकूं और एक पेज फेंकूं सो पेज स्लो 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 आएगा और पत्थर जो है वो फास्ट आ जाएगा। तो पत्थर जो है, बहुत सारे पत्थर फास्ट फास्ट आके कुछ ना कुछ मिलके बड़ा बना देंगे ना, वही ये बोल रहे हैं कि एटम्स जो है वो ऐसे ही जो हैवी एटम्स है वो मिलके एक बड़ा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। और इसीलिए हम ये नहीं मानेंगे कि कोई मेटाफिजिकल पावर है, कोई भगवान है जो कि बना रहा है यूनिवर्स को। ये बिलीव करते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस है यूनिवर्स का वो क्या है, नेचर बनाता है उसको। और नेचर जो हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े एटम्स मिल मिला के यूनिवर्स को बनाते हैं, ये इस एटॉमिक जो है हमारी नेचुरलिज्म या एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म की फिलोसफी का कहना है। साइंटिफिक नेचुरलिज्म ने थोड़ा सा और डीप में बात की, ये बोल रहे हैं इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए और ये प्रूव करते हैं कि हैवी और लाइट जो भी एटम्स है ना वो सारे के सारों की वेलोसिटी सेम होगी, यानी ऊपर से मैं किसी भी चीज़ को फेंकूँ सेम तरीके से आएगी, ऐसा कहना है इनका। जो मटेरियल्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, यानी जो एटम्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, यानी कि एटम से भी एक छोटा जो है एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो एटम से छोटी चीज क्या है, एटम से छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे एटम बना हुआ है, ठीक है। सो अल्टीमेट यूनिट जो है वो अब हमारे पास एटम नहीं है, बल्कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पावर है और उसी पावर से हमारा नेचर बना है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो एटॉमिक नेचुरलिज्म बात कर रहा था उसके ऑपोजिट रहेगी, क्योंकि वो बात कर रहा था एटम ही सब कुछ है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एटम से भी छोटी चीज एग्जिस्ट करती है। इसको साइंटिफिक की बात करेंगे तो दो में डिवाइड किया था, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। फिजिकल नेचुरलिज्म जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो एक्सटर्नल मटेरियल है उससे ज्यादा कनेक्टेड है, रादर देन जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है कि ह्यूमन कुछ सोच रहा है, इनर पावर, मोरालिटी, फ्रीडम, तो ये सारी चीजों के ऊपर ये बिलीव नहीं करता जो फिजिकल नेचुरलिज्म है। और ये सिर्फ फिजिकल साइंस को ही सुप्रीम मानते हैं, जो लॉ हमने पढ़े हैं फिजिकल साइंस में उन्हीं को ये सुप्रीम मानते हैं। और इसीलिए इस फिलोसफी को एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो मिली नहीं है। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म को कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म जो है वो किस पे फोकस करता है, बायोलॉजी पे, ठीक है। तो ये जैसे डार्विन की थियरी है ना, वहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे। डार्विन ने क्या बोल रहा है कि फिटेस्ट जो है वो सर्वाइव करेगा ना, वही फिलोसफी जो है वो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म की है कि मैन जो है वो सुप्रीम प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का,
और ये फिलोसफी एडवोकेट करती है कि हेरिडिटी में बहुत, मतलब हेरिडिटी का एक बहुत उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस रहता है नेचर और टेम्परामेंट ऑफ इंडिविजुअल पे। ठीक है, कि एनवायरमेंट, डेफिनेटली एनवायरमेंट में एडजस्ट करना वो सीखेगा। एनवायरमेंट जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैन के अंदर जो टेंडेंसीज हैं, नेचुरल इनबॉर्न टेंडेंसीज हैं, इननेट टेंडेंसीज हैं, उनको, उनके पोटेंशियल को निकालेगा कौन? एनवायरमेंट निकालेगा। बट हेरिडिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पे। डार्विन जो है वो तीन प्रिंसिपल्स अपनी इस फिलोसफी के देते हैं। पहला है कि एनवायरमेंट के प्रति अडेप्ट करना, कि पहले आप अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट होगा, फिर आप स्ट्रगल करेंगे उसमें रहने के लिए, और जो स्ट्रगल में सक्सेसफुल हो जाएगा, जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। इसीलिए आज ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं, डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए। ओके, सो ये नेचुरलिज्म की फिलोसफी है, जो कि एजुकेशन पे काफी इसका प्रभाव रहा है, जो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं? हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात की है इन्होंने। मैकेनिकल की बात करें, नाम याद रखेंगे आप, जैसे हमने बोला ना अभी तक किस किस में मैंने क्या क्या नाम बताए वो याद रखिएगा, कि सबसे पहले ये अपना जो मैकेनिकल है इसमें हर्बर्ट स्पेंसर का याद रखेंगे, जो साइंटिफिक है, साइंटिफिक में दो थे, एक फिजिकल एक बायोलॉजिकल। फिजिकल बायोलॉजिकल में आप डार्विन का नाम याद रखेंगे, फिजिकल में हमने दो नाम पढ़े वो कमेंट करके बताइएगा। ऐसे आपको नोट्स बनाने स्पेसिफिकली कि फैक्चुअल चीजें कैसे आप ऐड कर सकते हैं नोट्स में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, उसका नोट्स मत बनाइए, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सो मैकेनिकल में हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो मेन एक्सपोनेंट है हर्बर्ट, और इसीलिए जो हमने एक तो रूसो की बात की, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है हर्बर्ट स्पेंसर। सो ये मशीन की तरह बात करते हैं, ये बोलते हैं वर्ल्ड जो है ना, संसार जो है वो एक ह्यूज मशीन है। ओके, और उस ह्यूज मशीन का एक छोटा सा पार्ट क्या है? मैन है। तो या ये भी बोल सकते हैं कि छोटी एक स्मॉल मशीन है मैन। अगर उसका पार्ट, या तो आप लगा लीजिए बड़ी मशीन का पार्ट है, या आप जो है लगा लीजिए कि एक छोटी मशीन है उस बड़ी मशीन के अंदर। ओके, सो ये जो फिलोसफी है इसमें क्या एम है कि ये मैन को ट्रेन करे एक अच्छी मशीन की तरह, हमें उसको ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस जो है वो, मतलब एक अच्छी गुड वर्किंग कंडीशन बनी रहे और वो मशीन अच्छे से काम करती रहे। ठीक है, अब मशीन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मतलब मशीन अपने आप मूव करेगी चीजों को, या जो उसके बॉडी पार्ट्स है उस हिसाब से मूव करेगी। यहाँ पे कोई मेंटल या स्पिरिचुअल पावर काम नहीं आएगी, तो यहाँ पे इन्होंने भी स्पिरिचुअल पावर को डिनाई कर दिया। जो मैकेनिकल नेचुरलिस्टिक फिलोसफी है उससे बाद में, अब अगर आप की बात करें तो जो साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो इस मैकेनिकल नेचुरलिज्म की फिलोसफी से ही निकल के आता है, क्योंकि ये भी मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जो हम साइकोलॉजी में कंडीशनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो कंडीशनड रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं, उसमें भी तो हम मनुष्य को, या फिर जो हम देखें जैसे डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था पेवलोव ने, हम एक मशीन की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं ना उनको, कि कैसे उनकी कंडीशनिंग की जाए, कैसे उनको ट्रेन किया जाए, राइट? सो वहां से ये जो मैकेनिकल नेचुरलिस्टिक फिलोसफी है, वहां से मॉडर्न साइकोलॉजी निकल के आती है। हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म की बात करें तो ये फिलोसफी कंसिडर करती है कि वेल्थ जो है ना वो रियल है, और ह्यूमन बींग सर्वाइव ही इसलिए करता है ताकि वो वेल्थ क्रिएशन कर सके। ओके, इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ मैन्स स्ट्रगल ऑन दिस अर्थ। तो ह्यूमन कैसे स्ट्रगल कर करके चीजों को बचा बचा के और एक वेल्थ क्रिएट की है ह्यूमन बीइंग ने, वो बात करती है हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म की, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए ह्यूमन जो है वो स्ट्रगल करता है। और इससे जैसे हमने मैकेनिकल नेचुरलिज्म की फिलोसफी में बात की ना, वहां से मॉडर्न साइकोलॉजी निकल के आती है, वैसे ही इस फिलोसफी से जो आज की कम्युनिस्ट फिलोसफी है वो निकल के आती है। ओके जी, अब नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे? तो नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल नेचर से रिलेट करते हुए रहेंगे, जो हमने फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म आप पढ़ी हैं उससे कनेक्ट करके आप समझिएगा इन चीजों को। पहला है नेचर में बिलीफ, ठीक है, सो नेचर ही ग्रेटेस्ट और पावरफुल है एंड डी लिमिट्स ऑल द कैपेसिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग। सो नेचर के बियॉन्ड कुछ नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, सो ये नेचर में बिलीव जो है वो सबसे पहला प्रिंसिपल है। मैन ही उस नेचर का सुप्रीम प्रोडक्ट है, तो हम भगवान को सुप्रीम नहीं मान रहे हैं, हम यहाँ पे जो भी सुपीरियर एनिमल लगा लीजिए, सुप्रीम लगा लीजिए, वो हम मनुष्य को मान रहे हैं, मैन को मान रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है यहाँ पे साइंस के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो साइंस में इनका बिलीफ है, क्योंकि साइंटिफिक हमने देख लिया ना, साइंटिफिक फॉर्म या जो है हमारी मैकेनिकल फॉर्म या जो हमारी एटॉमिक नेचुरलिज्म, तो सारी की सारी फॉर्म कहीं ना कहीं साइंस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सो नेचुरलिस्ट जो है वो एक्सपीरियंस पे
और एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस करते हैं. और एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं? साइंस में होते हैं, राइट. बिलीफ इन मटीरियल, मटीरियल क्या है? जो रियल वर्ल्ड है वही मटीरियल है, तो ये मटीरियल में फोकस करते हैं, ना कि सोल में. तो ये गॉड में भी फोकस नहीं करते, ठीक है. तो ये क्योंकि ये बोलते हैं कि गॉड जो है वो रियल नहीं है, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अपने सेंसेस से. मैन जो है उसको मशीन की तरह ट्रीट किया गया है, ये भी एक प्रिंसिपल है, क्योंकि हमें ट्रेन करना है उसको. नो फेथ इन सोल, सोल और स्पिरिट में कोई फेथ है ही नहीं इनका. अनचेंजेबल लॉज ऑफ नेचर, तो ये उन लॉज में बिलीव करते हैं जो कि अनचेंजेबल है, कि यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो हैं, वैसे ही चीज़ें चलती रहेंगी. तो आप वो उनको आप जो है हटा नहीं सकते, आपको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा, जो डार्विन ने बोला. ओके, नेचर इज गुड. तो नेचुरलिस्ट बिलीव करते हैं कि नेचर में कोई भी कमी नहीं है, सोसाइटी में कमी है. तो सोसाइटी इज फुल ऑफ एविल्स बट नेचर गुड है. यही चीज अगर आपको ध्यान हो तो रूसो ने भी बोली थी कि जब तक मनुष्य, जब तक मतलब जैसे इंसान बोर्न हुआ ना, जब तक वो नेचर के पास है तब तक सब चीज़ें बढ़िया हैं. जैसे ही वो सोसाइटी में एंटर करेगा जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, बुराइयां हैं, तो वो भी अपने आप को जो है वो अच्छा नहीं बना पाएगा, बुरा बन जाएगा एक पॉइंट पे जाके. तो नेचर ही गुड है, बाकी जो सोसाइटी है वो बैड है और एविल है. इक्वालिटी की बात करते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म में, कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर की नज़र में क्या है, इक्वल है. नेचर ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन पे भी फोकस किया जाता है. मैन जो है वो सोसाइटी क्रिएट करता है और सोसाइटी में वो रहना पसंद करता है, जबकि सोसाइटी ही उसको बुरा बनाती है. ओके, सेंसेस जो है वो गेटवे है नॉलेज के, जो एक्सपीरियंस करेंगे हम चीज़ें, जो सेंसेस हैं उन्हीं से सीखना है हमें. हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों को ये इंपॉर्टेंट रोल जो है, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल उसके ऊपर फोकस करते हैं, जो डार्विन ने भी फोकस किया था. ओके, अब नेचुरलिज्म में मतलब एजुकेशन में कब एंटर हुआ नेचुरलिज्म? तो अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें तो उसको इंट्रोड्यूस एजुकेशन में उसको इंट्रोड्यूस करवाने का क्रेडिट जाता है कॉम्युनिस्ट को और फ्रांसिस को. ये दोनों नाम याद रखेंगे, लेकिन उसको फ्रांसिस बैकन, लेकिन जो रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर है ना, उन्होंने इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया है एजुकेशन के फील्ड में. सो रूसो और हर्बर्ट पे भी फोकस आपका रहेगा मेजरली. अगर हम बात करें कि किसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुआ ये, तो रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर की वजह से. क्योंकि आपने अभी तक कॉम्युनिस्ट या फिर फ्रांसिस का बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना होगा, बट आपने रूसो का सुना होगा, राइट. तो रूसो की फिलोसफी हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और उसी से आपको जो है चीजें सिमिलर नजर आएंगी, क्योंकि रूसो इसके चैंपियन माने जाते हैं, सबसे बढ़िया माने जाते हैं. ओके, रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो बच्चे को एक सेंट्रल पोजिशन में रखते हैं, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, जो हमने रूसो पढ़ते टाइम भी बात की थी. ओके, फर्दर बात करें जैसे रोस है, वो भी क्या बोलते हैं, एजुकेशन इज मेयरली फोस्टरिंग ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, यानी जो नेचर डेवलप कर रहा है बच्चे को, उसको फोस्टर करने का काम एजुकेशन कर रही है. चीज़ें नेचर के अकॉर्डिंग होंगी, बच्चा किस तरीके से इंडिविजुअली काम करना चाह रहा है वैसे होगा, और मिनिमम गाइडेंस के साथ बच्चे को फ्रीली डेवलप होने का मौका यहाँ मिलेगा. ऐसे ही मोनरोय भी सेम बात बोलते हैं कि एजुकेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इंटू एन एंजॉयबल रैशनल हारमोनियसली बैलेंस्ड और यूजफुल नेचुरल लाइफ को डेवलप करने का प्रोसेस है ये. यानी मजे आए उसमें, वो समझे सीखे सारी चीजें नेचर के दौरान हों. सो एप्लीकेशन ऑफ नेचुरलिस्टिक फिलोसफी क्या हो गई, कि ये चाइल्ड सेंटर्ड भी है, उसके साथ साथ ये साइंटिफिक भी है, ठीक है. तो ये नेचुरलिज्म एजुकेशन में हो गया. अब जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन होगी उसके क्या फीचर्स होंगे? सो जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है वो बैक टू नेचर की बात करेगी. यही बात रूसो ने भी कही थी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि रूसो अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको नेचुरलिज्म की फिलोसफी को समझना. रूसो जो है वो ये बोलते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हैं जब तक वो नेचर के हाथ में है, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन बींग के हाथ में आ जाएंगी, सोसाइटी के हाथ में आ जाएंगी, वैसे ही वो चीज़ें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगी. और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? नेगेटिव एजुकेशन की बात रूसो ने की है, वही नेगेटिव एजुकेशन की बात नेचुरलिज्म भी करता है. बुकिश नॉलेज को ये अपोज करते हैं, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करते हैं, बच्चे को ऊपर मतलब चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ें होंगी सारी की सारी, बच्चे को फुल फ्रीडम दी जाएगी, उसके सेंसेस को सीखने का मौका मिलेगा, तो उसको एक्सपीरियंस करके चीज़ें सीखनी है. ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात यहाँ पे होगी. मटेरियलिस्टिक एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन पे ये फोकस करती है. मटेरियलिस्टिक एजुकेशन मतलब जो मैटर की बात कर रहे हैं ना, कि सारा का सारा वर्ल्ड ही एक मैटर है, उसी एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं.
प्रोग्रेसिव मैनर ऑफ एजुकेशन पे ये फोकस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें कि जो नेचुरलिस्टिक हैं वो बिलीव करते हैं कि चाइल्ड इज चाइल्ड नॉट एन अडल्ट, तो आप उसको अडल्ट की तरह ट्रीट मत कीजिए, उसको अपने हिसाब से बड़ा होने दीजिए, उसको अपने हिसाब से डेवलपमेंट उसका होने दीजिए नेचर के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड, जैसे हमने नेगेटिव एजुकेशन में भी बात की थी ना कि 12 साल तक तो वो नेगेटिव एजुकेशन ही दे रहे हैं जिसमें आप कोई भी किताब नहीं पढ़ा रहे, कोई भी स्कूल नहीं भेज रहे, नेचर के करीब रख रहे हैं बच्चे को। तो चाइल्ड डेवलपमेंट को ये चार स्टेजेस में डिवाइड कर रहे हैं जो हमने रूसो में भी पढ़ा था, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। और रूसो में जब करिकुलम की बात आई थी तो उन्होंने फिफ्थ स्टेज बताई थी एजुकेशन फॉर वुमेन, ओके, जो हमने एमील और सोफी वाली स्टोरी पढ़ी थी। तो रूसो भी यही बोलते हैं, नेचर विल्स दैट चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन, तो आप उनको बच्चे ही रहने दीजिए, वो वही चीजें मतलब सीखेंगे साथ साथ, अपने कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे और खुद सीखेंगे चीजों को। एम क्या रहेगा नेचुरलिज्म की, अगर हम फिलोसफी की बात करें तो ये एजुकेशन के किस एम की बात करते हैं, तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात करते हैं कि आपको प्रिजर्व करके रखनी है चीज़ें खुद को, मतलब आप अपने आप की एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करके रखिए, ऐसा ना हो कि आपकी जो है एग्जिस्टेंस का कुछ मतलब ही ना बचे, आप एग्जिस्टेंस ही ना बचे आपकी, वो चीज़ नहीं छोड़नी है, ओके। तो सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को एक्सप्रेस कर पाए बच्चा, खुद जी पाए अपनी लाइफ, अपने लिए कमाने खुद कमा पाए, खुद चीज़ें कर पाए, वो जो है सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस कर पाए, वो एम है। प्रोटेक्शन करना है हमें ह्यूमन मशीन का, क्योंकि अभी बोला ना हमने कि एक ह्यूमन बीइंग भी एक पार्ट है मशीन का या एक स्मॉल मशीन है, यही तो बोल रहा है नेचुरलिज्म। तो जो नेचुरलिस्ट हैं वो पूरे यूनिवर्स को एक ह्यूज मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैन भी उसका पार्ट है, तो हमें अच्छे से उसको क्या करना है, इफेक्टिवली वो काम कर सके उस तरीके से ट्रेन करना है, ओके। जे एस रॉस भी बोलते हैं कि एजुकेशन शुड मेक द ह्यूमन मशीन एज गुड एज अ मशीन एज पॉसिबल, तो जितना बेटर हो सकता है उतना बेटर हमें इस ह्यूमन मशीन को बनाना है। अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, सो यूजुअली फ्यूचर पे फोकस नहीं किया जाता नेचुरलिज्म में, यही हम इसकी लिमिटेशंस में भी पढ़ेंगे, बट जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो बिलीव करते हैं कि हमें प्रिपेयर करना है, ट्रेन करना है मैन को, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ने ही बोला था ना कि मशीन और मैकेनिकल नेचुरलिज्म, सो हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि हमें उनको ट्रेन करना है और मैन को इस तरीके से सिक्योर करना है कि फ्यूचर में जाके वो अपने लिए कमा सके, उसका फ्यूचर जो है वो हैप्पी हो। मैकडूगल भी सेम बात बोलते हैं कि हैप्पीनेस और मिजरी जो है ना वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से आती है, मतलब आप जो करेंगे उसी से, आपकी हरकतों से, आपकी चॉइसेस से ही हैप्पीनेस और मिजरी जो है उसका रास्ता निकल के आएगा। सो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर हैप्पीनेस पे फोकस करना है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो डार्विन ने भी बोला था कि हमें बच्चे को सिखाना है, मतलब एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि हम उनको सिखा पाएं कि कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे, और सर्वाइवल फिटेस्ट का होता है ना, तो आप फिट बनेंगे उस एनवायरमेंट के लिए। अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में आप अडेप्ट कर पाएं तभी आप फिट हो पाएंगे, तभी आप बच पाएंगे, ठीक है। सो टीचर जो है उसको, मतलब टीचिंग जो है वो क्या सिखाती है बच्चे को, आर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, और अगर आप एडजस्ट कर पाएंगे तो आप जो है हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिएंगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ रेशियल गेन, तो रेसिज्म को भी ये बोलते हैं कि रेशियल गेन, मतलब आपको जो भी कल्चरल हेरिटेज है, अलग अलग रेसिस हैं उनकी क्या कल्चरल हेरिटेज है, उन सब के बारे में बच्चे को सिखाना है, उस एनवायरमेंट में बच्चे को जो है हमें छोड़ना है, ओके जी। ऑटोनोमस डेवलपमेंट की, क्योंकि ऑब्वियसली आप नेचर के करीब छोड़ रहे हैं तो ऑटोनोमस ही होगा ना डेवलपमेंट, तो एम ऑफ एजुकेशन है कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट, कि वो अपने आप डेवलप करे, इंडिविजुअल इंसान के ऊपर फोकस हो रहा है यहाँ पे। ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है उनकी तरफ रीडायरेक्ट कर पाए आप चीज़ों को, तो जो मैन की इंस्टिंक्ट है वही गाइडिंग फोर्स होंगे, मतलब मैन जो चाह रहा है उसकी फुल फ्रीडम है कि वो किस हिसाब से काम करना चाहता है उस हिसाब से करे, इसीलिए हम बच्चे को भी फुल फ्रीडम देते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट देते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे तो नेचर, नेचुरल डेवलपमेंट ही बच्चे का होगा। हमें अपॉर्चुनिटी देनी है उसको मैक्सिमम कि हम उसके सारे बैरियर्स को हटा पाएं और एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर पाएं। एजुकेशन नेचर के अकॉर्डिंग देनी है, तो घूम फिर के नेचर पे बात आएगी। यही चीज रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बोली थी कि नेचर ऑफ द चाइल्ड पे डिपेंड करना चाहिए, कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो किस तरीके से सीखना चाह रहा है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, वो सारी चीजों पे फोकस करना है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को जो है क्या करना है, एक्सपीरियंसेस हमें प्रोवाइड करनी है। करिकुलम की बात करें तो ये बात मैंने रूसो के टाइम पे भी बताई थी कि नेचुरलिज्म में जो है कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ही कंसिडर करते हैं, इंडिविजुअल की एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तो बच्चे को सेलेक्ट करना है करिकुलम। और यही मैंने रूसो पढ़ाते टाइम बोला था कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी बनता है एक पॉइंट पे जाके, कि
ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल टास्क है ये कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग करिकुलम बन सके. नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. सो हम ये एडवोकेट नहीं करते किसी भी फिक्स्ड करिकुलम को, बट ये इतना बोलते हैं कि करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कि बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके इंटरेस्ट, उसकी इनबॉर्न टेंडेंसीज, उसका एप्टीट्यूड, कैपेसिटीज, उसके अकॉर्डिंग आपको करिकुलम जो है वो बनाना है. लेकिन हम हर बच्चे के इंटरेस्ट, हर बच्चे की इनबॉर्न टेंडेंसीज, हर बच्चे की कैपेसिटी कैसे देख पाएंगे. सो ये डीमेरिट में भी हम पढ़ेंगे जाके. इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है इसका, अगर हम ऐसा करते हैं तो हर एक इंसान जो है वो खुश रहेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स जो है वो उसकी फुलफिल हो पाएंगी, राइट. तो ये नेचुरलिस्टिक एजुकेशन में बोलते हैं कि हर बच्चा खुद अपना करिकुलम डिसाइड करे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट ये बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए. ओके, तो ये अब इन्होंने फिक्स्ड नहीं दिया है, लेकिन कुछ एक हैं नेचुरलिस्ट जिन्होंने करिकुलम अपना अपनी तरफ से कुछ एक सब्जेक्ट्स और एबिलिटीज के बेसिस पे कुछ एक चीज़ें बताई हैं, जिसमें जो रस्क हैं या हेक्सले हैं या हर्बर्ट हैं, इन्होंने साइंस के ऊपर फोकस किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थमेटिक, इस तरीके के सब्जेक्ट्स पर फोकस किया है, मैथ्स पर फोकस किया है. जो सोशल स्टडीज़ हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसिस जो रहे हैं रेसिस के उनको ग्रेस्प कर पाएँ, वो सोशल स्टडीज़ में हमें समझाना है. और फिजिकल एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस दिया है कि बच्चा हेल्दी ट्रेनिंग होगी ना, हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी वो आगे चीजें कर पाएंगे बेटर तरीके से. मेथड ऑफ टीचिंग में हमें पता चल गया है अभी तक तो कि खुद से सिखाना है, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, डायरेक्ट मेथड हो, ह्यूरिस्टिक मेथड हो, डिस्कवरी करके बच्चा सीखे, कि आप उसको कोई प्रॉब्लम दें और नेचर में छोड़ दें और वो उस चीज़ों को सोल्व करे. ऑब्जर्वेशन एक मेथड हो सकता है, प्ले वे मेथड होगा, सेंसेस के थ्रू सिखाना है, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ एफर्ट और को एजुकेशन को ये सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन के थ्रू बच्चे को चीज़ें सिखानी है. इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि जिसमें खुद बच्चा करके सीख रहा है, एक्टिव है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है, उनको नेचुरलिस्ट जो है वो अडॉप्ट करते हैं. जैसे डाल्टन प्लान मैंने एनसीईआरटी जब पढ़ाई थी 11th 12th की, उस टाइम पे एनसीईआरटी में मेंशन था, तो डाल्टन प्लान मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको. किंडरगार्टन जो किसने दिया है, फ्रोबल ने दिया है, तो जैसे रूसो पढ़ा है वैसे फ्रोबल भी आने वाली एक दो क्लासेस के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी. सो फ्रोबल ने किंडरगार्टन मेथड दिया, तो वो यहाँ पे उस पर भी फोकस करते हैं. एक्सकर्जन मेथड, मोंटेसरी मेथड, तो फ्रोबल और मारिया मोंटेसरी हमें आने वाले टाइम में पढ़ना है. अल्टीमेटली फोकस है एक्सपेरिमेंटेशन पे, ज्यादा फोकस है. टेक्स्ट बुक मेथड भी एक पॉइंट पे ये बोल सकते हैं कि इंक्लूड करते हैं, बट ये फिर भी अपोज ही करते हैं टेक्स्ट बुक का, स्पेसिफिकली 12th ईयर तक, मतलब 12 साल के बच्चे तक जो है आप उसको टेक्स्ट बुक या चीजें नहीं पकड़ाएंगे, आप उसको सिर्फ नेचर में रहने देंगे. टीचर क्या होगा, तो टीचर जो है वो कौन है, नेचर ही सुप्रीम टीचर है. टीचर जो है वो ऑब्जर्वर रहेगा, जो हम फैसिलिटेटर बोलेंगे, जिसको वो बच्चे को समझने की, उसके इंटरेस्ट को, उसकी टेंडेंसीज को समझने की कोशिश करेगा. टीचर एक तरीके से स्टेज सेटर है, यानी एक स्टेज बना के देगा, उस पर परफॉर्म बच्चे को ही करना है. टीचर एक गार्डनर की तरह है, लेकिन उसमें फूल जो खिलेगा वो बच्चा ही होगा. ओके, सो टीचर पहली बात तो ये कि सुप्रीम टीचर नेचर है. उसके अलावा जिस टीचर की हम बात कर रहे हैं वो एक तरीके से ऑब्जर्वर होगा और एक स्टेज सेटर होगा, ये ध्यान रखिएगा. डिसिप्लिन की बात करें, रूसो पढ़ते टाइम भी हमने बोला था कि अपने आप एक सोशल, देखिए सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, इससे बात की थी ना रूसो ने, सेम अप्लाइज हियर. नेचुरलिज्म भी जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से बच्चे को सिखाने की बात करता है, कि अगर आप, जैसे हमने बात की थी वो विंडो जो है कि एमिल को आप जो है कहाँ छोड़ दीजिए, रूसो ने बात की थी ना एमिल की, कि आप जो है उस, अगर उसने विंडो का ग्लास तोड़ दिया है तो आप उस टूटे हुए ग्लास वाली विंडो के रूम में ही बच्चे को सोने दीजिए, जब ठंड लगेगी तो अपने आप कॉन्सिक्वेंस की भाई उसको पता चल जाएगा विंडो नहीं तोड़नी थी, ठीक है. तो वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से ही बच्चा अपने आप डिसिप्लिन में आएगा, आप उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे, फुल फ्रीडम देंगे और फ्री सोसाइटी उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी फ्री नेचर, नेचुरल एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे. स्कूल की बात करें तो नेचर जो है वही बेस्ट टीचर है, एंड इट्स लैप इज द बेस्ट स्कूल. तो उसकी नेचर की गोद में ही स्कूल है बच्चे का बेस्ट, तो वो नेचर से ही सीखेगा, नेचर की वजह, मतलब आप उसको सिर्फ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए जो कम्प्लीटली फ्री है, फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिडिटी जिसमें नहीं है. ओके, जिसमें बच्चा खुद सीख सके. अगर आज के एनवायरनमेंट की बात करें और आज हम बोले कि नेचुरलिज्म के स्कूल को हमें जो है अडॉप्ट करना है, तो हमें शहर से थोड़ा दूर जाके नेचर
टीचर की गोद में जाके हमें स्कूल बनाना पड़ेगा, जहाँ पे एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है आपके पास, वो होता है ना रेडी डोज ऑफ नॉलेजेस नहीं है कि टीचर आएगा आपके अंदर इंजेक्शन भर देगा, आपने सुन ली नहीं समझ आया तो आपको पनिशमेंट देगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। को एजुकेशन को ये फेवर करते हैं, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं या सोशल डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, ये बच्चे पे ये एग्जामिनेशन का बर्डन नहीं डालना चाहते। तो स्कूल कहाँ है, स्कूल नेचर की गोद में ही बेस्ट स्कूल है। अब एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एजुकेशन के अगर हम इम्पैक्ट देखें नेचुरलिज्म का एजुकेशन पे, तो इन्होंने ऑब्वियसली नए साइकोलॉजिकल मेथड्स बताए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड बताया है, चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप होगी वो बता दिया इन्होंने, सोसाइटी की और एनवायरमेंट की स्टडी करता है नेचुरलिज्म, डेमोक्रेसी को राइज करता है क्योंकि डेमोक्रेटिक बिहेवियर की तो बात हो रही है, बच्चे को अपने हिसाब से करने दीजिए उसकी लाइफ है, ऐसे वाला। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं, प्लस चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं कि चाइल्ड ही अपना चूज करें, फ्रीडम दी जानी चाहिए उसको फुल, ये एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट रहेगा। प्लेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहाँ होने चाहिए, शहर से दूर, शोर शराबे से दूर होने चाहिए। न्यू मूवमेंट इन एजुकेशन की बात करते हैं और को एजुकेशन को और रेजिडेंशियल स्कूल्स को ये फेवर करते हैं। सो ये कुछ एक इम्पैक्ट रहेंगे या कॉन्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं नेचुरलिज्म का एजुकेशन के फील्ड में। अब नेचुरलिज्म की बुराइयां और अच्छी बातें बात कर लेते हैं, तो मेरिट्स क्या होंगे। देखिए एक पॉइंट अगर मैं मेरिट में ले रही हूँ ना, उसी का काउंटर करके उसको एक्सप्लेन करके हम डीमेरिट में भी बता सकते हैं। ओके, सो मेरिट्स क्या रहेंगी नेचुरलिज्म की, कि चाइल्ड को इंपॉर्टेंस दे रखी है, बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करना है, अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना। बच्चा जब जन्म हुआ है तो बहुत अच्छा है, प्योर है, लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी की नजर में आएगा, सोसाइटी के साथ आएगा जो कि फुल ऑफ एविल्स है, बुराइयों से भरी हुई सोसाइटी है, वहां पे आके बच्चा जो है वो बुराइयों से भर जाएगा। इसलिए हमें कंसीडर करना है कि नेचर के पास रहने दीजिए उसको। सो नेचर एक बेस्ट टीचर है, ये इसकी पॉजिटिव चीज है। ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, इन द लैप ऑफ नेचर, तो नेचर की गोद में ही बच्चे को बड़े होने देना है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एप्टीट्यूड, इंक्लिनेशन, उसकी नीड, कैपेसिटीज, इन सब के ऊपर ये फोकस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें करिकुलम का स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसी ये बात करते हैं, विच इज वेरी अगेन पॉजिटिव पॉइंट। डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग टेक्निक की बात इन्होंने की, जो हमने अभी अभी बात की, जिसमें बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रखी है और जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस ले लेते हैं मॉडर्न एजुकेशन में। आजकल यही तो बात होती है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से सीखने दीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, तो वही चीज कहां से आ रही है, नेचुरलिज्म में बात की गई है इस चीज की। साइंस के सब्जेक्ट्स को भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ मानते हैं क्योंकि साइंस में भी एक्सपेरिमेंट होता है और वही चीज़ लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन की डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं, इसलिए ये साइंस से ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं और साइंस के सब्जेक्ट्स को असाइन करने की बात करते हैं। इट कंसिडर मैन एज सोशल एनिमल, जिसकी जो एंड ही हैज़ टू बिल्ड सोसाइटीज, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोसाइटीज तो उसको पूरी करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिविजुअल लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये चीज है, बट ये कंसीडर करते हैं सोशल एनिमल क्योंकि सोसाइटी वो बना ही लेगा अल्टीमेटली, भले ही नेचुरलिज्म सपोर्ट कर रहा है नेचर में रहो, नेचर के करीब रहो, सोसाइटी फुल ऑफ एविल है, बट स्टिल अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो सोसाइटी बनाएंगे ही बनाएंगे। फुल फ्रीडम ये देते हैं बच्चे को नेचुरल डेवलपमेंट के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा उसका। जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बुकिश सिस्टम है, उसके ये अगेंस्ट हैं, रोट मेथड के ये अगेंस्ट हैं। एक इंस्पिरेशन जो है, डायरेक्ट इंस्पिरेशन नेचुरलिज्म की फिलॉसफी से आती है, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और साइंटिफिक एजुकेशन की। जहाँ ये सोशियोलॉजिकल बात करें तो ये सोशल डिसिप्लिन की भी बात करते हैं, साइंटिफिक की बात करें तो ये एक्सपीरियंस की भी बात करते हैं, और मैंने बताया था कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी, जो मशीन वाला पार्ट था ना हर्बर्ट स्पेंसर वाला, वहां से मॉडर्न साइकोलॉजी भी निकल के आई है, राइट। सो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव क्या रहेगा, अनसेटिस्फाइंग एम ऑफ एजुकेशन है कि बस नेचर 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 पे ही फोकस है सिर्फ, सोसाइटी को तो ये अहमियत ही नहीं दे रही, ये बोलते हैं कि सोसाइटी फुल ऑफ एविल है, बट अगर सोसाइटी नहीं होगी तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो नेचुरलिस्टिक एम ऑफ एजुकेशन है ना इनके, वो वन साइडेड है और अनसेटिस्फैक्ट्री है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल, जबकि एक बैलेंस्ड एनवायरमेंट होना चाहिए कि स्पिरिचुअल और मटीरियल दोनों चीजें बैलेंस लेके चले, क्योंकि अगर मटीरियल एटीट्यूड आप में आ गया तो सेल्फिशनेस आ जाएगी और वो बहुत डेंजरस होगा सोसाइटी के लिए। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो डीमेरिट हो गई इसकी। फ्यूचर को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे को अभी में जीने दीजिए, आज में जीने दीजिए, प्रेजेंट में जीने दीजिए, ठीक है, फ्यूचर को नेग्लेक्ट ही कर दिया कंप्लीटली इन्होंने। सो वो एक जो है कि बच्चे को फ्यूचर लाइफ के लिए ये प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आज में फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को आज नेचर की गोद में जीने दीजिए।
मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को ये नेग्लेक्ट करती हैं, अगेंस्ट हैं, बुक्स को नेग्लेक्ट करती हैं, जबकि एक पॉइंट पे हमें बुक्स चाहिए होंगी एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए। हम बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं कि लाइफ एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हैं, बट बुक्स बिल्कुल जीरो हैं, नेग्लेक्ट कर दिया जाए वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है। साइंस सब्जेक्ट पे ऊपर फोकस है इनका, लेकिन ह्यूमैनिटीज और करिकुलम बाकी चीजों को ये सेकेंडरी प्लेस पे रख रहे हैं, जबकि उनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड फ्रीडम दे रहे हैं ये बच्चे को, और किसी भी चीज की अति ना हमेशा बुरी होती है, सो अनलिमिटेड चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी डीमेरिट हो गई कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अगर हमने बिल्कुल अनलिमिटेड फुल फ्रीडम दे दी, वो अपने हिसाब से चलते रहेंगे सब लोग। तो एक सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। टीचर का बहुत कम रोल है, हर जगह पे नेचर 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 के ऊपर फोकस है, टीचर पे फोकस नहीं दिया जा रहा है कि टीचर एक अच्छे तरीके से गाइड बन सके, मतलब अच्छा समझा सके बच्चे को, मतलब वो नहीं है, जबकि टीचर की बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। जैसे आज की इलेक्ट्रॉनिक एज की भी अगर हम बात करें, भले ही आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, भले ही आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अवेलेबल है, बट स्टिल टीचर की जरूरत तो हमेशा पड़ती है ना समझाने के लिए चीजों को, एक सही दिशा दिखाने के लिए, बट वो चीज यहाँ पे इन्होंने फोकस नहीं किया, ये नेचर को ही टीचर बोल रहे हैं। अनअपीलिंग प्रिंसिपल है डिसिप्लिन को लेके, इन्होंने बोला ना कि अपने कॉन्सिक्वेंसेस से बच्चा खुद सीख जाएगा, जैसे विंडो वाली बात थी, ऐसे ही ये बात है कि अगर अपने एक्सपीरियंस से वो माचिस को जलाना सीखेगा और कुछ गड़बड़ हो गई तो वो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत महंगे पड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ये जो है ना खुद से सीखने वाला, तो ये अनजस्ट हैजार्डियस रैश और अनहेल्दी भी साबित हो सकता है, हार्मफुल साबित हो सकता है एक पॉइंट पे। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को ये इग्नोर करते हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, सोसाइटी तो फुल ऑफ एविल है और सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जबकि सोसाइटी और इंडिविजुअल दो सिक्के के एक सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ साथ चलेंगे, इंडिविजुअल सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता और सोसाइटी भी इंडिविजुअल के बिना नहीं रह पाएगी ना, तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, बट ये सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं और सोसाइटी से दूर रहे तभी तक वो रहेगा अच्छा। ठीक है, वरना वो बुराई में आ जाएगा तो वो भी बुरा बन जाएगा एक पॉइंट पे आके, तो सोसाइटी को अहमियत इन्होंने नहीं दी है। ओके जी, सो आई होप आपको नेचुरलिज्म पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आया होगा, नेचुरलिज्म में किस चीज पे फोकस है वो समझ आया होगा, नेचुरलिज्म को कौन कौन से नेचुरलिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं कुछ एक पर्टिकुलर, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, मैकेनिकल फॉर्म दिया, रूसो हो गए, देन हमने जो फिजिकल और जिन्होंने वो फिजिकल में जो दो बात थी, फॉर्म ऑफ फिजिकल में, फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म में जो फिजिकल नेचुरलिज्म था उसमें दो नाम पढ़े थे हमने, मुझे भी ध्यान नहीं है, वो तो आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी चीजें। इस लेक्चर को आप एक दो बार और सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, बट रूसो याद रखिएगा और रूसो की जो फिलोसफी पढ़ा रखी है और नेगेटिव एजुकेशन जो बता रखा है वो एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।